ये रहा वाटरफॉल, अरे रे पब्लिक मचाएंगे वाले। ये लास्ट टाइम आपको फिर से भिगाएंगे इस वाटरफॉल के नीचे। और राइट, सो सीन्स कुछ ऐसे है कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सेकेंड राइड होने वाली है इस वीडियो में, इसके लिए लास्ट वीडियो जो शॉर्ट हो गया था, सो ओल्ड वाले लोकेशन से ही। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज सागर योर बॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थाने का सागर ब्लॉग। तो सीन्स कुछ ऐसे है कि हम लोग ने प्लान किया था कि आज का पूरा दिन है हमारे पास एंड पूरे दिन को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। सो हम लोग आए थे अभी कोंडेश्वर टेंपल के यहाँ पे, एंड आपको भी पता है कि बदलापुर के नज़दीक है ये टेंपल, एंड यहाँ से ही भाषेद घाट अराउंड 1 or 2 hours के आसपास है। सो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना यहाँ से मार्शेद घाट जाया जाए, क्योंकि लास्ट सैटरडे को हमारी कुछ फ्रेंड्स गए थे राइड के लिए एंड मार्शेद घाट का जो वेदर था, जो खास वीडियो उसने भेजा था, सो बहुत ही सिनेमेटिक हो गया है बारिश के सीज़न में स्पेशली, एंड फॉग भी है। सो बारिश के सीज़न के साथ फॉग का होना इम्पोर्टेंट है। सो अभी हम लोग है कोंडेश्वर टेम्पल के नियर बाय, सो अभी यहाँ से निकलेंगे एंड देन मिलते हैं आपको ऑन अ बाइक। ऑलराइट गाइस, सो कोंडेश्वर राइड के बाद इट्स टाइम टू मूव अहेड। हम लोग अभी जा रहे हैं मार्शेट घाट, एंड मार्शेट घाट जाने के लिए दो रोड है, एक तो कल्याण मुरपाट रोड एंड सेकंड वाला ये रोड है। ये रोड बेसिकली अपना बदलापुर डैम जो है, बारबी डैम, उसके पीछे वाला रोड है। बारबी डैम का एग्जैक्ट रोड आगे से है, मगर हम लोग उसके पीछे वाले रोड से जा रहे हैं बिकॉज बारबी डैम का रोड थोड़ा ख़राब है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा रिवर है, एंड रिवर के ऊपर से ये प्रॉपर ब्रिज बनाया गया है, एंड उसके भी सीन आपको दिखाएंगे। सो रिवर पे ये ब्रिज है बड़ा वाला मस्त, एंड दोनों साइड अच्छा खासा पानी भरा हुआ है, एंड यहाँ से एक छोटा सा डैम दिख रहा है मुझे, एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। वेदर भी परफेक्ट है फॉर मोटो व्लॉगिंग। इट्स शोइंग टाइम 2 hours टू रीच मार्शेद घाट। हम लोग बदलापुर से भी जाएंगे मुरबाड़, एंड मुरबाड़ से होते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे मार्शेद घाट की तरफ। तो ऐसे ही राइड करते करते राइट नाउ वी आर इन मुरबाड़। जो लोग महाराष्ट्र से है उनको पता होगा कि मुरबाड़ जो जंक्शन लगता है बहुत फेमस स्पॉट है टूवर्ड्स द मार्शेद घाट। एंड आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो थ्रू द एसटीज, जो गवर्नमेंट की जो एसटी बसेस होती है, सो उनका ये मेजर ब्रेक जो होता है लंच के लिए, सो वो ये है मुरबाड़ स्टेशन। एंड यहाँ से एक मार्शेद अराउंड 60 किलोमीटर है, 1 hour 20 minutes दिखा रहा है एज़ पर द गूगल मैप, बट हम लोग एक 1 hour तक रीच होंगे। एंड उससे पहले प्लानिंग है कि ब्रेकफास्ट करेंगे, राइट नाउ इट्स 9:30, सो प्लान है कि पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग अपनी जो राइड है मार्शेद की तरफ वो कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं जैसे ही हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे तब। तो फाइनली हम लोग रुके हैं मार्शेद घाट के, पहले एक होटल आता है, होटल प्रांजलि, बहुत फेमस होटल है। अगर आप पीए रूट से कभी जा रहे हो तो हाईली रिकमेंडेड। मैं पिछले 5 साल से यही होटल में आ रहा हूँ, जब भी इस रोड से जब भी ट्रैवल करता हूँ, सो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, हम लोग यही होटल पे रुकते हैं। सो अभी भी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, एंड सुयश भाई ने ऑर्डर किया है मेदू वड़ा, एंड मैंने पूरी भाजी ऑर्डर किया है, पूरी भाजी ले भारी। एंड हमें कहा गया था कि पूरी भाजी फेमस है यहाँ का, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, सो इसका जो रिव्यू है वो खाने के बाद बताऊँगा। सो खा लेते हैं देन फिर आपको मिलते हैं। राइट हैंड साइड में अच्छा खासा फॉग दिख रहा है, इसका मतलब हम अभी जब भी ऊपर पहुंच जाएंगे प्रॉपर मार्शेद घाट में तो हमें अच्छा खासा फॉग मिलने की उम्मीद रहेगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मार्शेद घाट पे। राइट हैंड साइड में आपको छोटे छोटे शॉप्स लगेंगे, छोटे छोटे वाटरफॉल भी लगेंगे जाते जाते, एंड बहुत ही सिनेमेटिक सा लोकेशन है। पूरे रेनी सीजन में आप जब भी आओगे बहुत ही सिनेमेटिक सा व्यू आपको यहाँ पर दिखेगा।
ड्रोन की कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर ड्रोन होता तो बहुत ही एपिक वाला मज़ा आ जाता। अगर ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई करेंगे, उससे पहले ड्रोन खरीदी करेंगे एंड ड्रोन की भी आपको सीन सिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पुलिस दिख रहे हैं, सो भाई साहब जब भी आओ थोड़ा संभल के गाड़ी चलाइएगा महाशिद घाट में, क्योंकि पुलिस वैन है, नहीं तो फिर 1000 रुपया भरने के लिए तैयार हो जाइएगा। बाकी सब बढ़िया है। सो फाइनली वी रीच महाशिद घाट। लेफ्ट हैंड साइड में फॉग दिख रहा है मस्त वाला, एंड बारिश के सीज़न में बहुत ही सिनेमेटिक सा व्यू हो जाता है। पहले बहुत सारे ट्रैवल कर रहा था महाशिद घाट से, मगर जब भी मैं नवी मुंबई में शिफ्ट हो गया तो यहाँ से आना थोड़ा मेरा कम हो गया है, मगर जो मज़ा बारिश में महाशिद घाट का है वो मज़ा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। दूसरी कोई ऐसी लोकेशन है, मैंने अम्बोली घाट में राइड की है, मैंने और दूसरे घाट्स में राइड की है, मगर महाशिद घाट एक एपिक लेवल पे है। एंड बहुत ही अच्छा वेदर हो चुका है, थोड़ी सी ठंड लग रही है मगर चल जाएगा, उतनी बेरेबल है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में अपनी लाल परी बहुत ही फेमस। एंड इसी राइड करते आगे आगे जाएंगे, एंड एक डैम है वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। सो अभी क्या करेंगे कि थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में एक स्पॉट है, वहाँ पे रुकने का प्लानिंग है, देखेंगे अगर पुलिस नहीं होगी तो वहाँ पे रुकेंगे, अदरवाइज ये क्रॉस करके निकल जाएंगे। और ये जो वाटरफॉल है ना, इसमें आप और मैं दोनों भीगने वाले हैं। वो सो ये वाटरफॉल का मुझे आप लोगों को एहसास दिलाना था, इसके लिए आज भीगा के हम दोनों भी एंजॉय करेंगे मस्त वाला। एकदम चिल वाला वेदर हो चुका है। मेरी एक गलती हो गई, मैं वड़ा पाव ले के आना चाहिए था। अगर वड़ा पाव ले के आ जाता ना, मस्त एकदम चिल वाला वेदर हुआ है, और वड़ा पाव के साथ ये चिल वाला वेदर क्रेजी कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये थोड़ा सा बैड पैच, मगर ठीक है चल जाएगा। एंड थोड़ी थोड़ी पब्लिक दिख रही है मुझे, रोड पे उतर रही है, कुछ लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, तो हम लोग भी फ़ोटोज़ निकालेंगे। थोड़ा ऑफ रोडिंग अभी ट्राई कर रहे हैं, सो आगे जाके हम लोग भी फ़ोटो निकाल लेंगे। और फ़ोटो कहाँ पे देखना है तो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रहा है। एंड ये राइट साइड का शनि मंदिर, जब भी हम लोग महाशिद घाट से जाते हैं तो ये शनि मंदिर को विज़िट कर ही देते हैं। सो अभी जाते वक्त नहीं करेंगे, आते वक्त जो है तो विज़िट करेंगे शनि मंदिर को। एंड ये लोकेशन मैं कह रहा था कि ये लोकेशन जो कॉर्नर जहाँ पे टनल दिख जाता है सामने, सो यहाँ पे एक प्लानिंग है कुछ शूट करने की। सो इंस्टाग्राम पे आप जुड़े रहिएगा फ़ोटोज़ के लिए। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग पहुँच चुके हैं महाशिद घाट में, एंड महाशिद घाट में रुकने का कोई इरादा नहीं था, बिकॉज़ आपको भी पता है कि कभी भी पत्थर गिर सकते हैं ऊपर से। एंड लास्ट एक महीने पहले जो न्यूज़ था कि फोर्ड इको स्पोर्ट थी वो, उसके ऊपर पत्थर गिरा था, थैंकफुली उसमें कोई नहीं था तो उसके लिए बच गए, मगर अगर कोई होता तो समवन विल बी लॉस्ट देयर फादर और मदर और वाइफ और एनीवन। सो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग ने सोचा कि थोड़ा घाट क्रॉस करके रुकेंगे। सो हम लोग ने घाट क्रॉस किया है, हम लोग अभी हैं MTDC का जो स्टे हाउस रहते हैं तो वो हमारे बैक एंड साइड में है। एंड यहाँ पे एक अच्छा सा हम लोग को एक सीनरी व्यू दिखा। सो हम लोग रुके थे और आप पीछे देख सकते हो पूरा फॉग ही फॉग आपको दिख रहा होगा। एंड ये यहाँ से आपको महाशिद घाट का व्यू पॉइंट है वो दिख जाएगा, सो वो एक बार आपको दिखाता हूँ। सो हम लोग यहाँ पे खड़े, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो वो रहा महाशिद घाट का व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको टोटली क्लियर रोड जो है महाशिद घाट के ऊपर वाला जो स्टार्टिंग फेज में लगता है आपको, सो वो दिख जाता है। एंड आप देख सकते हो पूरे हिल पे आपको अच्छा खासा फॉग मिलेगा। एंड हम लोग थोड़ा लेट हो गए, आपको भी पता है क्यों लेट हो गए, क्योंकि लास्ट वीडियो भी हम लोग को शूट करना था। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, एक डैम है आगे तो वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ के कुछ सीन आपको दिखाएंगे। और राइट गाइस, सो महाशिद की राइड होने के बाद हम लोग आगे आए थे पिंपलगांव डैम पे, एंड पिंपलगांव डैम में हम लोग को ज्वाइन किए हैं विशाल भाई, एंड विशाल भाई का भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब गाइस सब्सक्राइब। सो ये सेल्फ प्रमोशन है अपने पास। सो विशाल भाई की हेल्प से हम लोग आए हैं यहाँ पिंपलगांव डैम में, और बाइक को आप सोच भी नहीं सकते ऐसी पार्क की गई है। सो एक बार दिखाई देता हूँ। सो तीनों बाइक आपको दिख रही होगी, ये सुयश की बाइक है,
ये विशाल भाई की RR 310 एंड ये अपनी 310 GS। एंड मेरा प्लान है कि अगर मौका मिला और थोड़ा बजट भी रहा अपना, तो प्लानिंग है मेरा 310 RR लेने का, बिकॉज एक स्पोर्ट्स बाइक मुझे चाहिए। सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि निंजा 300 जो आ रही है वो लेना चाहिए या TVS 310। मगर 310 कैसा है कि बजटेबल है, अगर कुछ भी इशू हो जाता है तो वो सॉर्ट हो जाएगा। मगर आपको भी पता है कि अगर कावासाकी में मैं जाता हूँ, सो कावासाकी के थोड़े जो पार्ट्स है वो थोड़े महंगे भी आते हैं एंड थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ों के लिए। सो TVS अपने बजट में आ सकती है, सो देखेंगे इन फ्यूचर अगर पैसे रहे उस टाइम। सो प्लानिंग करेंगे एक बार 310 RR की। सो डायरेक्टली अभी मिलते हैं आपको ऑन अ बाइक, उससे पहले कुछ सिनेमेटिक शॉट लिए वो ज़रूर देखिएगा। गाइस, सो इस ब्यूटीफुल लोकेशन के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एंड ऐसे ही प्यार एंड मोहब्बत बरसाए रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।